दोस्तों सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्यू टी डी एस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप टी डी एस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेसिस की वेबसाइट से। दोस्तों यदि अभी तक आपने सी एस सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर टी डी एस के ऊपर क्लिक करेंगे कॉम्प्यू टैक्स सॉफ्टवेयर में। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे जिसका कि आप टी डी एस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं और यहां पे नीचे आप असेसमेंट ये चूज़ कर सकते हैं और यहां पे क्वार्टर जो चूज़ कर सकते हैं या फिर जब स्क्रीन ओपन हो जाएगी उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर आ गया है। हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं कि किस असेसमेंट ईयर के लिए किस क्वार्टर के लिए हम टी डी एस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं। दोस्तों टी डी एस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपका ट्रेसिस पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ट्रेसिस का लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप टैन नंबर और जो अपना लॉगिन डिटेल है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे येलो में रिमार्क्स भी आ रहा है कि आपका ट्रेसिस आई डी एंड पासवर्ड एंटर नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो यहाँ पर एंटर करना है कॉम्प्यूटेक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन डिटेल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर न्यू पे प्रेस करेंगे जिसके बाद के कॉम्प्यू टी डी एस के द्वारा टी डी एस सी पी सी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे स्टेटस आएगा रजिस्टर्ड एंड एक्टिव यूज़र। दोस्तों अब हम टेसी से फ़ोन नंबर 16A यानी कि टी डी एस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है ट्रेसिस फॉर्म 16 के अंतर्गत है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, जब रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी उसके बाद ये फॉर्म जो अवेलेबल हो जाता है डाउनलोड के लिए, उसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे कैप्चा कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा, आपको एंटर करना है। दोस्तों उसके बाद आपके लिए सेपरेट पेज ओपन कर दिया जाएगा, यहाँ पे लॉगिन डिटेल में आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली फीड कर दी जाएंगी सॉफ्टवेयर के द्वारा। आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन पे प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद सॉफ्टवेयर के द्वारा सभी डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप कर दी जाएंगी, जैसे कि आपको जो प्रीवियस रिटर्न का टी डी एस रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर फीड करना होता है, चलान नंबर, पैन नंबर, टैक्सा, सभी फीड करके ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी कि फ़ोन नंबर 16A के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई है। तो थोड़ी देर में स्टेटस जो है अवेलेबल आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप कॉम्प्यू टी डी एस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर 16A के सामने जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की थी वो डेट यहाँ पे आ गई है। अगर डेट नहीं आ रही है तो यहाँ पे ऊपर ये चेक स्टेटस पे आप यहाँ पे टिक पे क्लिक करके प्रेस कर सकते हैं, जिसके बाद की डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा, तो हम उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेंगे। 1 से 2 घंटे में ये टी डी एस सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाते हैं टी डी एस ई पी सी की वेबसाइट पर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन पर प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक स्टेटस पे प्रेस कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेसिस पे भी प्रेस करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर 16 यानी कि टी डी एस सर्टिफिकेट के लिए जो हमने रिक्वेस्ट दी थी वो डेट और रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है और जो स्टेटस वो अवेलेबल आ गया है। तो अब आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, एक्शन बटन पर प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि आपकी फ़ाइल जो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। दोस्तों उसके बाद आप यहां पे जनरेट बटन पे प्रेस करके जो टी डी एस सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहां पे नीचे नेम, पैन नंबर, डेजिनेशन होगा जो कि टी डी एस सर्टिफिकेट जो व्यक्ति साइन करता है तो उसकी डिटेल यहां पे होती है। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ये साइन मैनुअली करेंगे या डी एस सी के थ्रू यानी कि टोकन के थ्रू आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्टेप नंबर 3 यानी कि जनरेट पर प्रेस करना है। तो दोस्तों जब ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा तो इस प्रकार से नीचे आपकी स्क्रीन पे उपलब्ध हो जाएगा पैन नंबर और डायरेक्टरी नेम के साथ है। यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं और ये ईमेल भी भेज सकते हैं और दोस्तों इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन पे जब आप प्रेस करेंगे इस लिंक पे तो ये जो टी डी एस सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से फ़ोन नंबर 16 यानी कि टी डी एस सर्टिफिकेट आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं कॉम्प्यू टी डी एस सॉफ्टवेयर के द्वारा। दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाता है इसके सर्टिफिकेट नंबर भी होता है जो कि ट्रेसिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, किस दिन को आपने डाउनलोड किया वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो टी डी एस की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।
रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।